आरडी की बात करो, बैड डेट्स की बात करो, तकरीबन आज मुझे यहाँ पे सीखना ये है कि सर जो आपके पास डेटर्स की फैमिली है, मतलब ये सर कि डेटर्स का मतलब क्या होता है, मुझे पैसा मिलने वाला है कि मैं पैसा पेड करने वाला हूँ, ऐसी जो पूरे हिस्ट्री है आज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब देखो प्री क्लास, सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा बिजनेस, और बिजनेस का वर्ड मुझे याद है सर, मैंने 11 में आप लोगों को सिखाया प्री क्लास, बिजनेस का सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मेरे पास बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो प्री क्लास सबसे पहला जो आपके पास वर्ड यहां पे क्या है सर, बिजनेस, कारोबार, कारोबार, कारोबार और ट्रेड। अब सबसे पहले प्री क्लास, ये जो आपके पास बिजनेस है, हम इसे जानबूझ के यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बोले सर, एक पर्सन वो जो सामान को परचेस करेगा और एक पर्सन वो जो सामान को सेल करेगा। अब प्री क्लास यहाँ पे आपके पास दो पार्ट है, सबसे पहला मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा परचेस। वर्ड मैंने यहाँ पे क्या बोला है, परचेस। परचेस का सिंपल मतलब क्या होता है, सामान खरीदना, या बायर की बात करो सर, परचेसर जो सामान परचेस करता है। और सेकंड मेरे पास आएगा सेल, सामान को बेचना, सामान को सेल करना, या आप सेलर की बात करो। अब कोई भी अपनी क्लास कभी यहां पे सर ऐसा पॉसिबल है कि सर एक बंदे ने माल परचेस किया वही माल सेल भी कर रहे हैं, सर पॉसिबल है? कभी पॉसिबल ही नहीं है। मींस के सर मैंने ही माल खरीदा और मैं अपने आप को बेच रहा हूं, पॉसिबल है क्या? बोले सर बिजनेस में देयर इज ओनली अ सेलर या देयर इज ओनली अ बायर, मींस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बिजनेस करना है, एक पर्सन वो होगा जो सर यहाँ माल को परचेस करेगा और सेकंड वो जो माल को यहाँ पे सेल करेगा। अब परचेस और सेल का जो वर्ड है सर काफी कॉमन है, काफी कॉमन है सर। आप ऐसा जिंदगी में परचेस का वर्ड बहुत बार सुनेंगे सर, परचेस का मतलब सामान खरीदना बेचना, सेल का मतलब यहाँ पे सामान बेचना, पैसा आना पैसा जाना, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। अब सबसे पहले आपके पास दो वर्ड प्री क्लास है, क्या है, परचेस और सेल। अब सर ये आपका सबसे कॉमन पॉइंट भी है, आसान भी है, इजी टर्म भी है। अब सर यहाँ मेरे पास निकले काफी मोर, मतलब मेन एडजस्टमेंट। अब बोले सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बोले सर डिसीजन टेकन बाय द, टेकन बाय द, अरे बोलो ना, टेकन बाय द बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। इसका कितना इफेक्ट होता है प्री क्लास, दो इफेक्ट होता है। अब सर ये जो आपके पास परचेस है और ये जो आपके पास सेल है, अब सर यहाँ पे क्या करूंगा मैं, परचेस को मैं बेसिकली और दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक मेरे पास प्री क्लास, याद करो आपका 11 का कॉन्सेप्ट, मैंने सर आप लोग को यहाँ पे सिखाया था, परचेस मे बी ऑन कैश बेसिस, मे बी ऑन कैश बेसिस, और सेकेंड मेरे पास होगा मे बी ऑन क्रेडिट बेसिस। बोले सर या तो आपने कैश पर माल परचेस किए या तो सर आपने उधार परचेस किए, ये दो चीज मैंने आप लोग को यहाँ पे समझाया था। मेरे पास सेम चीज यहाँ पे सेल में भी आ जाएगा सर, सेल मे बी ऑन कैश, मे बी ऑन कैश, और सेकेंड मेरे पास मे बी ऑन क्रेडिट, कि सर आपने या तो हो सकता है उधार पर माल बेचे या आपने सर कैश पर माल बेचे। अब प्लीज सर आप लोग बात को समझो, फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा परचेस गुड्स, वर्ड मैंने क्या बोला, परचेस गुड्स ऑन कैश, सर कैश पर मैंने माल परचेस किया, व्हाट कम्स इन, मैंने कैश पर माल परचेस किया, व्हाट कम्स इन, गुड्स की जगह पे क्या लिखता हूं मैं, परचेस। बोले सर रुक जाओ, परचेस ऑलवेज 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 सर परचेस अकाउंट डेबिट हो, परचेस अकाउंट डेबिट हो, सर मैंने कैश पर माल परचेस किया, कैश मेरे पास है क्या, गुड्स मेरे पास है, क्या एंट्री पास करूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे। अब सर अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया कि सर मैंने उधार पर माल परचेस किया, फॉर एग्जाम्पल सर परचेस गुड्स फ्रॉम सालिम ऑन क्रेडिट, सर मैंने सालिम से उधार पर माल परचेस किया। अगर प्री क्लास एक वन मेरे पास यहाँ पे आएगा ऑन क्रेडिट, पक्का सामने वाली पार्टी का नाम आएगा। ये चीज सर आप 11 से सीखते आ रहे हो और ये चीज आपका 12 में भी है। मैंने फिर आप लोग को बताया सर कि 11 का जो बेसिक है वो आपका 12 में मेन मेन अकाउंट बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोग को 11 का सर याद ना, कितना थोड़ा बहुत भी, कितना तो भी सर काम मेरा बन जाएगा। बोले सर अपनी अगर बात को समझो, अगर मैं आपको ऐसा सेंटेंस बोलूं, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन, सर आपने कैश पर माल बेचे, क्या एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो, सर मैंने कैश पर माल बेचा तो पैसा मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, पैसा आ रहा है, जो आता है उसको मैं क्या करूंगा, बोले सर आने वाले को, अरे बोलो ना, आने वाले को और जाने वाले को, कैश अकाउंट डेबिट हो, कैश अकाउंट डेबिट हो, पक्का। अब प्लीज जरा क्वेश्चन को दिमाग से मतलब सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वकास, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वकास ऑन कैश, प्री क्लास मैंने वकास को कैश पर माल बेचा है,
क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू, अच्छा ऑन कैश का मतलब करो क्लास का, अरे सर पैसा लाओ माल लेके जाओ, परचेस ऑन कैश, ले सर पैसा लाओ माल खरीद के लेके जाओ, मिस वॉट के सर अगर आपके पास पैसा है पैसा लाओ माल लेके जाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं सर आपको ऐसे बोलूं कि आपने सर किसी को यहाँ पे कैश पर माल बेचे तो क्या मैं सामने वाले बंदे का रिकॉर्ड यहाँ पे करूँ? सर कभी नहीं करूंगा सर, आपको पैसे से मतलब है, मुझे सामान से मतलब है, आपको पैसा मिला मुझे सामान मिल गया, बात खत्म हो गई सर। लेकिन सर कभी अगर आपको ऐसे बोलेगा गुड्स सोल्ड टू मिस्टर रामू, व्हाट मेरे पास है क्या मिस्टर बी क्लास, आपने यहाँ पे रामू को उधार पर माल बेचे, क्या एंट्री पास करोगे? रामू अकाउंट डेबिट टू, रामू अकाउंट डेबिट टू। सेकंड मेरे पास सर रामू का छोटा भाई कामू, सर रामू का छोटा भाई कामू, सर आपने कामू को भी उधार पे माल बेचे सर, कामू अकाउंट डेबिट टू सेल, कामू अकाउंट डेबिट टू। पहला भाई कौन सा है? उससे छोटा भाई। अब मेरे पास तीसरा भाई पूरी क्लास यहाँ पे आएगा रामू कामू, और एक मेरे पास यहाँ पे पूरी क्लास आएगा नानू, अरे उससे छोटा भाई है। इधर मेरे पास बड़ा भाई कौन है? उससे छोटा भाई, उससे छोटा भाई। प्री क्लास अगर आपने नानू को उधार पर माल बेचे तो क्या एंट्री पास करोगे? नानू अकाउंट डेबिट टू, नानू अकाउंट डेबिट टू। अब सर लास्ट में इसका सबसे छोटा भाई आएगा, इसका यहाँ पे नाम आएगा मामू, इसका पे नाम मेरे पास क्या है पूरी क्लास? मामू। अब सर आपने यहाँ पे एक फैमिली के चार लोग को माल बेचे सर, और सर वो भी आपका ऑन क्रेडिट बेसिस पर है, आपका उधार पे है, मतलब कि सर पैसा आपको मतलब काफी टाइम के बाद मिलेगा, हो सकता है सर पैसा आपको दो दिन के बाद मिल जाए सर, हो सकता है पैसा आपको 10 महीने के बाद मिले, मतलब कि सर पक्का आपने इनको उधार पर माल बेचे, तो प्री क्लास क्या मैं अपनी बुक में, क्या मैं अपने जर्नल एंट्री में इनका नाम रिकॉर्ड करूं? पक्का मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब प्लीज सर आप लोग बात को समझो, अगर सर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल कि सर हमने यहाँ पे क्या करे मामू को माल बेचे ऑन क्रेडिट बेसिस में, क्या एंट्री पास करोगे? मामू अकाउंट डेबिट टू, मामू अकाउंट डेबिट टू। इधर प्री क्लास क्या मुझे चारों से पैसा लेना है कि देना है? पैसा मुझे यहाँ पे लेना है सर, पैसा आपके पास यहाँ रिसीव होने वाला है। अब प्लीज जरा बात को समझो, फॉर एग्जांपल सर हम यहाँ पे कौन है सर? बिजनेसमैन है, और तकरीबन क्या अपनी क्लास के मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 लोग मैंने यहाँ पे 50 पीपल्स को क्या किया सर उधार पर माल बेचा है, और सर ये 50 में से चार लोग ये है, मतलब के सर 46 आपके पास कोई और होगा सर, और चार लोग मेरे पास ये है, ये चार भाई छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा ये आपके फैमिली वाले सर, एक फैमिली के चार भाई है सर। अब मुझे इनके बारे में पढ़ना है और सीखना है। अब तकरीबन प्री क्लास यहाँ पे क्या हुआ कि सर आपने यहाँ 50 लोग को माल बेचे सर, भाई 50 में से कोई भी हो सकता है, आपके जान पहचान का है नहीं अलग बात है। अब सर 50 लोग में आपके पास ये चार लोग भी है, बोले सर एक बात समझ में नहीं मेरे को, बोले सर कौन सी बात आपको नहीं समझी, बोले सर आपने 50 लोग को माल बेचे सर, आपने 50 लोग का नाम यहाँ पे नहीं लिखे, सिर्फ चार लोग का यहाँ पे नाम लिखे, क्यों सर? ले सर दे आर अ मोस्ट वांटेड सर, इनको आपने माल बेचे सर, पक्का ये पैसा डुबा के भाग जाएंगे। समझा मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? अरे मैंने बोला भाई कि आपने इन सब 50 लोग को माल बेचे, अब सर ये आपके ऐसे पर्सन है, बोले सर आज आपने मुझे माल बेचे हो मैं पक्का आपका पैसा डुबा दूंगा सर, पक्का आपका पैसे मैं डुबा दूंगा, पैसा आपको यहाँ पे नहीं दूंगा। प्लीज जरा बात को समझो एवरीबॉडी एल्स, सर अगर आपने यहाँ पे सर 50 लोग का माल बेचे, क्या मुझे सबका नाम कहीं पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि सर मैंने किसको कम माल बेचा, मुझे पैसा कम मिलने वाला है सर, पैसा कितना मिला, क्या मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। अब सर मैं सिंपल बनाऊंगा एक बिल, सिंपल है मैं क्या बनाऊंगा सर, एक बिल बोलो, या मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा लिस्ट, वर्ड मेरे पास है मैं क्या आएगा लिस्ट, कि सर आपने यहाँ पे तकरीबन 50 लोग का नाम सर लिख लिए, आपने किसको माल बेचे सर, आपको पैसा कब मिलेगा, कौन कितना पैसा कब देगा, तो सिंपल एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे आएगा लिस्ट, और मेरे पास अभी क्या है लिस्ट, और सर इसी को मैं यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, इसी को हम यहाँ पे नाम बोलेंगे सिंपल, इट इज कॉल अ वर्ड सन्ड्री, वर्ड मेरे पास अभी क्या है सन्ड्री, सन्ड्री का सिंपल मतलब क्या होता है लिस्ट, सर आपकी लिस्टिंग है, मतलब सर मुझे ये बताओ कि भाई आपने कितने लोग को उधार पे माल बेचे और कितने लोग से आपको पैसा मिलने वाला है, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे सन्ड्री, दैट इज कॉल अ लिस्ट। अब सर मैं अगर आपको ऐसे बोलूंगा कि ये जो आपके पास 50 पीपल है, 50 लोग है,
जिनको आपने उधार पर माल बेचे, क्या सर उसके आप नाम गिना सकते हो? हाँ सर गिना सकता हूं मैं, रामू, कामू, नानू और मामू, सर साजिद, माजिद, काजिद, राजू, काजू, साजू, माजू, सब आपने नाम गिना दिए सर। अब अगर मैं आप लोग को सर ऐसे बोलूं, क्या मैं पचास लोग का नाम एक बार में ले सकता हूं? क्या मैं 50 लोग का सर ऐसा कोई नाम बोलो जो मतलब एक नाम में सबका नाम आ जाए, ऐसा कोई नाम बोलो यहाँ पे मेरे पास एक बार यहाँ पे। अच्छा पहले मुझे बता प्रियास, क्या मुझे इनसे पैसा लेना है कि पैसा देना है? बोले सर आपको पैसा यहाँ पे लेना है, सर पैसा आपको मिलने वाले, समझे मेरी बात को? मैं क्या बोलो प्रियास, ये सर वो लोग है जिनको आपने माल बेचे और इनसे आपको पैसा मिलने वाला है। तो मैंने आप लोगों से सिंपल भाषा में ये पूछा, क्या 50 लोग के लिए ऐसा कोई नाम इस्तेमाल कर सकता हूं मैं जिसमें 50 लोग का नाम आ जाए? सर मुझे बारी बारी किसी का नाम लेने की जरूरत ही ना पड़े, मेरे पास ऐसा कोई वर्ड है सिंपल, एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे आएगा डेटर, वर्ड मेरे पास सिंपल यहाँ पे क्या प्रीक्लास? डेटर। अगर सर आपने वर्ड यहाँ पे डेटर लिखे, इसका मतलब प्रीक्लास क्या हुआ? सबका नाम यहाँ पे आ गया। मेरे पास सिंपल यहाँ पे सिंपल क्या वर्ड बनेगा? सन्ड्री डेटर। इसका सिंपल मतलब प्रीक्लास ये होगा कि ये वो लोग है जिनसे आपको पैसा मिलने वाला है सर, ये सब आपके डेटर्स है जो आएंगे आपको टाइम पे पैसा देके जाएंगे, पैसा देके, दैट इज कॉल्ड अ सन्ड्री डेटर। अब प्लीज जरा आप लोग बात को समझो, सर एक बार मेरे पास यहाँ पे आ गया डेटर, अब प्लीज जरा बात को समझो सर, अगर मैंने सर यहाँ पे रामू पर बनाया बिल, अगर मैंने सर कामू पर बनाया बिल, क्या एंट्री पास करोगे? अगर मैंने कामू पर बनाया बिल तो क्या एंट्री पास करोगे? बी आर अकाउंट डेबिट टू कामू। इधर नानू पे बनाओ बिल, बनाओ बिल प्री क्लास। अगर आपने ये सब पर बनाया हो बिल, क्या सर आपको बिल का पैसा मिलने वाला है? दैट इज कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल, दैट इज कॉल्ड अ बिल रिसीवेबल, सिंपल आपके पास ये वर्ड बन जाएगा। प्लीज सर आप बात को समझो एवरीबॉडी एल्स, डेटर का सिंपल मतलब क्या होता है सर? आपको पैसा मिलने वाला है। बीआर का मतलब सर आपको पैसा मिलने वाला है। प्री क्लास अगर दोनों से आपको पैसा मिलने वाला है तो ये दोनों आपके लिए असेट है कि लायबिलिटी है? पक्का असेट है सर, डेटर असेट, बिल रिसीवेबल असेट, ये दोनों आपके पास सिंपल क्या बन जाएगा? ये असेट्स, याद रहेगा।